Today we are going to start with the third session of geography chapter is resource and development. So students, last lecture में हमने पढ़ा कि resources, why resources are essential, how can we conserve resources, ये हमने नहीं पढ़ा students. आज के session में हम पढ़ेंगे and what are the steps involved in resource planning. अब आज start करेंगे students conservation of resources. ये conserve करना resources क्यों important है? Students, ये तो basic चीज है जो आपको पता होगी पहले से. लेकिन फिर भी आज क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं. तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. अगर आप देखोगे रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट. सो रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स चाहिए. आज आपकी बॉडी डेवलप करनी है आपको, तो आपको खाना चाहिए. फूड इज अ रिसोर्स. But irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. But students, resources है ना कुछ limitation में use किए जाते हैं. आप अगर irrational consume करो, मतलब आप आधी चीजें consume करो, आधे फेंक दो, फिर कभी कभार आप बहुत ज्यादा utilize कर लो, तो ये क्या है students, problem हो जाती है. क्लियर? इससे क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. मतलब सोसाइटी डेवलप नहीं होगी, इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, इसको सोशियो इकोनॉमिक होता है. एंड एनवायरमेंट पे तो अफेक्ट होता ही है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ट्रीज एक रिसोर्स है, हम उसको कट करते जा रहे हैं बिकॉज हमको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. तो हम क्या करते हैं, इरेशनल कंज्यूम करते हैं कुछ रिसोर्स को एंड कुछ रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहुत सारी. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम resource conservation at various levels is important. अब ये problem को overcome करने के लिए solution लाने के लिए हम देखेंगे कि resource conservation क्या है, बहुत important है. Because लोग जो है ना student, वो consume करना stop नहीं करेंगे, वो irrational consumption करेंगे ही and over utilize भी करेंगे. तो हमको क्या करना है, next step क्या है, that is resource conserve करना है. तो अब कैसे करते हैं, this had been made. This has been the main concern of the leaders and thinkers in the past. अब past के जो leaders हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, clear, Dr. B.R. अम्बेडकर, तो ये सब जो है, ये leaders जो है, इनका सबसे बड़ा concern रहा है कि हमारे resources बहुत कम, बोल सकते हो कि बहुत fast use हो रहे हैं, so we have to make some policies regarding that. Now for example, एक example दिया है, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ल्ड. अब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट लिखा है स्टूडेंट, क्या लिखा है, एंड वो बहुत ही बोल सकते हो दिल से बोल रहे हैं, अपना कंसर्न बता रहे हैं. क्लियर? एंड बताते हुए उन्होंने क्या लिखा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो बोल सकते हो कि ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं. क्लियर? फिर हमने सेकंड देखा था कि अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स हैव डिवाइडेड सोसाइटी इनटू पुअर एंड रिच. तो यहाँ पर गांधी जी ने यही बोला है कि सबकी नीड के लिए रिसोर्सेज इनफ है हमारे पास, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास. समझे आप इसको, नीड सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत कम रिसोर्स चाहिए. जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, तो ये बेसिक चीज सबको हम दे सकते हैं, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए, अब लोग बोलेंगे कि हमको पैसे ही पैसे चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, सब ज्वेलरीज हमारे घर पे होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो किसी के ग्रीड के लिए इनफ नहीं है, लेकिन नीड के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है. तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. He placed the greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at global level. अब गांधी जी ने ना दो कॉजेस बताए जिसकी वजह से रिसोर्स क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. डिप्लीट मतलब खत्म हो रहा है रिसोर्स, करेक्ट? तो वो दो रूट कॉज कौन से थे स्टूडेंट्स, सबसे पहला greedy and selfish individuals. जो हमने पढ़ा ऊपर ही, जो इंडिविजुअल थे वो बहुत ज्यादा, कुछ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा greedy and selfish है, वो अपने resources किसी के साथ share नहीं कर सकते. Clear? And second, exploitative nature of modern technology. अच्छा, technology देखोगे ना students, पहले plow किया जाता था farms में, बराबर, पहले plow करके खेत में से मिट्टी जो है उसको बाहर लाई जाती थी,
लेकिन आज आप देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स है जो लैंड को तोड़ रही है, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट इज मड एंड ये सब सैंड वगैरह रिमूव करने की जगह पे वो तो लैंड को ही तोड़ रही है इतनी बड़ी मशीन. क्लियर? तो क्या हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नेचर या फिर बोल सकते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइटेटिव है. मतलब लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी. क्लियर? तो दो रीजन गांधी जी ने बताया, कौन से थे? ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड सेकेंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये दो रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन के. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस. अब यहाँ पर है ना ब्रिटिशर्स को एक ताना मारा गांधी जी ने. ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अपने मिल्स में ना काइंड ऑफ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं. यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, जैसे कि कॉटन यहाँ से लेके जाते हैं. अब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो कॉलोनी को पैसा देगा, वो खुद का ही घर समझ के यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे. ब्रिटेन में बहुत बड़ी बड़ी मिल्स इंडस्ट्रीज थी, वहां पर उसको प्रोसेस किया जाता था, क्लॉथ बनता था एंड वही क्लॉथ को इंडिया में बेचते थे. क्लियर? तो यहाँ पर ब्रिटेन में क्या होता था, मास प्रोडक्शन होता था. तो गांधी जी बोलते हैं कि मास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जहां पर मास प्रोडक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती है. आपको पता है ज्यादातर काम मास प्रोडक्शन में मशीन्स करती है, तो जहां पर ज्यादा मशीन्स होगी वहां पर लोग होंगे ज्यादा नहीं होंगे, बराबर. लेकिन आपने सुई धागा मूवी देखा होगा, अनुष्का शर्मा एंड वरुण धवन का है, वहां पर आपने देखा, वहां पर उन्होंने क्या किया, इट वॉज प्रोडक्शन बाय मासेस. मतलब प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन मासेस मतलब पीपल उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो जो क्लॉथ बन रहा है उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं. क्लियर? वो मशीन, सीविंग मशीन के थ्रू. तो यहाँ पर गांधी जी ने टॉन्ट मारते हुए ये बोला है कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है हमको कंट्री में, एंड हमको उसको किससे रिप्लेस करना है, प्रोडक्शन बाय मासेस, ताकि हमारे कंट्री में लोगों को काम भी मिले. ज्यादा प्रोडक्शन अगर मासेस करेंगे, पीपल करेंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी. क्लियर? लेकिन अगर मास प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो आप विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड एवरीथिंग, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क कौन करेगा वहां पर, मशीन्स करेंगे. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं. गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ल्ड. देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. ही प्लेस्ड द सेल्फिश एंड ग्रीडी इंडिविजुअल्स and the exploitative nature of modern technology, ये दो है, as the root cause for resource depletion. He was against mass production, मत करना mass production, quantities में production मत करना, clear? And wanted to replace, वो mass production को किसे replace करो students? Production by masses, मतलब ज्यादा produce मत करो, लेकिन जो production थोड़ा तो थोड़ा कर रहे हो ना, उसमें ज्यादा लोगों को involve करो, ताकि employment generate हो. क्लियर? सो ये रिसोर्स कंजर्वेशन पे एक क्वेश्चन है, आपको इसको लिखना है एंड आप उसमें पूरा ही लिखोगे. क्लियर? ये पूरे स्लाइड उसका आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं, लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चार्ट है, एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम स्टडी करेंगे इसे. हमारा लैंड जो है वो तीन में डिवाइडेड है. क्लियर? कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर माउंटेन्स एंड प्लेटोज है. अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाए तो सबसे पहले क्या आता है, माउंटेन्स आते हैं, जैसे कि हिमालयस, बराबर. आपने नाइन्थ में पढ़ा है कि तीन हिमालयस है हमारे यहाँ पर, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, बराबर. तो पहले आते हैं माउंटेन्स. क्लियर? सेकेंड आता है फिर प्लेन्स आते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है हमारे, प्लेन्स है, जहां पर हम बोलेंगे कि सेम लैंड होता है, इवन लैंड होता है, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं. फिर प्लेटोस क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे प्लेन्स आते हैं वैसे ही एक स्लोप होता है नीचे की टूवर्ड्स. क्लियर? वो प्लेटो है, जैसे हमारा आप देखोगे कि वी शेप इंडिया का जो नीचे का बेकन है, दैट इज प्लेटो. क्लियर? तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, प्लेन, एंड प्लेन्स पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. सेकेंड आता है माउंटेन, जहां से रिवर्स फ्लो होती है. एंड थर्ड प्लेटोस क्या है स्टूडेंट्स, जहां पर मिनरल्स हाइएस्ट होते हैं. क्लियर? तो अभी एक एक करके देखते हैं. India has land and a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and island. Island we have here. About 43% of the total land is plain, which provides facilities for agriculture and industry.
अब हमारे यहाँ पर 100 में से 43%, मतलब बोल सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ, ये प्लेन्स ही है। आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, 43% प्लेन्स है जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर होता है इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। फिर आप देखोगे माउंटेन्स, माउंटेन्स कितना है स्टूडेंट्स, 30%, क्लियर, 30% माउंटेन ऑक्यूपाई करता है। अब माउंटेन से क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या आप वहां पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो? नहीं, वो माउंटेन है, वो स्लोप से वहां पर इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, क्लियर। तो 30% माउंटेन है, लेकिन वहां पर क्या होता है, पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब कहां से आती है स्टूडेंट्स, माउंटेन से ही आती है, क्लियर, एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब ये देखने के लिए हम हिमालयस के वहां जाते हैं, हम नॉर्थ घूमने जाते हैं रिवर्स के वहां रहने के लिए, क्लियर, तो ये बोल सकते हो टूरिज्म को सपोर्ट भी करते हैं माउंटेन। तो इसमें दो लिखेंगे, माउंटेन्स 30%, पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती है एंड इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज प्लेटो रीजन। अब 27% क्या बचा है, वो क्या है स्टूडेंट्स, प्लेटो है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। अब यहाँ पर ही क्या है स्टूडेंट्स, मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल है, डीजल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स को माना जाता है, एंड फॉरेस्ट, क्लियर। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस थिंग, एक बार देख लेते हैं, आपको ये याद रखना है सिर्फ 43, 30 and 27, 1 mark क्वेश्चन के लिए आ सकता है, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। Now let's move to the next thing, land utilization। अब लैंड रिसोर्स जो है हमारे पास क्या क्या था हमने देख लिया, क्लियर, जैसे कि लैंड जो है उसमें माउंटेन्स है, फिर प्लेटोज है, प्लेन्स है। अब वो लैंड को स्टूडेंट्स हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? अब ऐसी भी लैंड स्टूडेंट्स जो बैरन है, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता, ऐसी भी लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, मतलब वो कल्टिवेबल लैंड है, क्लियर। फिर ऐसी लैंड है जहां पर सिर्फ फॉरेस्ट है, फिर देयर आर सम प्लेसेस और यू कैन से लैंड वेयर यू कैन से ग्रेजिंग होता है, करेक्ट। फिर कुछ लैंड ऐसे ही पड़ी होती है, तो ये अलग अलग यूटिलाइजेशन क्या होता है लैंड का वो देखते हैं। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जैसे कि आप रहते हो वो लैंड पे क्या है, बिल्डिंग्स बनी है, तो एक एक करके देखते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अब लैंड किस चीज के लिए यूटिलाइज होता है वो देखते हैं। पहला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो पता ही आपको स्टूडेंट्स, अमेजॉन फॉरेस्ट, फिर आप देखोगे गिर का फॉरेस्ट एक्सेट्रा गुजरात में, तो ये बड़े बड़े फॉरेस्ट है। पहला आया आपका फॉरेस्ट में लैंड को यूटिलाइज किया जाता है, लैंड पे फॉरेस्ट बहुत सारे ट्रीज ग्रो होता है, करेक्ट। सेकेंड देखेंगे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, हमने उल्टा देखा है यहाँ पर, लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब ये कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, जहां पर बिल्डिंग्स बनी है, क्लियर, जहां पर आप देखोगे डैम्स है, ये सब है, तो देखते हैं चलो। इसमें आएगा पहला स्टूडेंट बैरन एंड वेस्ट लैंड। अब जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता वो कौन सा लैंड होगा, वेस्ट लैंड, बराबर, मतलब वहां पर आप कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हो, फर्टाइल नहीं है लैंड, एंड बैरन मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा है। अब आपके विलेज जाओगे ना, तो आपने देखा रहेगा बीच में रास्ते में ना बहुत सारी बैरन लैंड आती है, क्लियर, मतलब वहां पर एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, ऐसे ही सूखा पड़ा होता है, सो इट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, कल्टीवेशन नहीं हो सकता, so this is the land which is not available for cultivation। second देखते हैं इसमें क्या है, land put to non agricultural uses, example buildings, roads, factories। यहाँ पर भी cultivation करते हो, building में cultivation होता है, नहीं होता ना, road पे cultivation होता है, नहीं होता, factories में भी नहीं होता, factories में तो process किया जाता है, clear। so second इसका bifurcation देखेंगे, अगर हम sub topic देखेंगे तो land put to non agricultural uses। So, इसमें क्या क्या आया स्टूडेंट्स, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में बैरन वेस्ट लैंड, एंड सेकेंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब थर्ड देखते हैं, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, बराबर। अब हमने देखा एक लैंड जो अवेलेबल नहीं थी कल्टीवेशन के लिए, अब और भी बहुत सारी अनकल्टीवेटेड लैंड है, उसको भी कैटेगराइज करेंगे। या आप बोलोगे कि इसमें क्यों नहीं लिखा, लेकिन नहीं, हमने इसको क्या किया स्टूडेंट्स, अलग एक क्राइटेरिया सेट करके बाइफर्केशन किया। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ लैंड हमें ग्रेज करने के लिए भी देनी पड़ती है, कैटल्स ग्रेज करते हैं उसमें,
तो इट इज इम्पोर्टेंट, वरना मिल्क जो है इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. तो ऐसी और भी अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे. आपको डिफरेंस समझ रहा है यहाँ पर? ऊपर वाले में बैरन लैंड था, बिल्डिंग्स थी, आप वहां पर कल्टिवेट कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर दूसरी ऐसी लैंड है जो कल्टिवेट कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो. Why? Because you are using that land for other purposes. Like you are using that land for grazing purpose. बराबर cattle graze करना है आपको, करवाने हैं, that is. So you can say cattle grazing के लिए भी land रखा है यहाँ पर. And permanent pastures. Pastures मतलब जो घास grow होते हैं, उसको बोला जाता है. So इसका first point ये था. Second देखते हैं. Land under miscellaneous tree crops rules. अब स्टूडेंट्स आपने देखा रहेगा बहुत बार जब आप कहीं पर जाते हो, माथेरान गए रहोगे, मोस्ट प्रोबेबली सब गए रहेंगे, तो उसका एग्जांपल लेते हैं. जब जाते हो तो वहां पर बहुत सारे ऐसे आजू बाजू है ना, ऐसे ही झाड़ू के रहते हैं, ऐसे ही विदाउट एनी लाइक ऐसे ही किसी ने ग्रो नहीं किए है और वो परफेक्टली ग्रोन नहीं है ट्रीज, लेकिन ऐसे घास फूस उगाए नीचे, तो वो मिसलानियस बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको. मिसलानियस मतलब अपने आप ग्रो हो जाता है, किसी ने ग्रो नहीं किया होता. गांव में जाओगे आप, खेत के वहां देखोगे तो ऐसे तो बहुत दिखते हैं, बारिश की वजह से क्या हो जाता है, ऐसे ही ग्रो हो जाता है. क्लियर? सो लैंड अंडर मिसलानियस ट्री क्रॉप्स. ट्री क्रॉप्स मतलब छोटे छोटे जो ट्रीज है वो ग्रो हो जाते हैं, ग्रुप्स जैसे. तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पास्चर्स एंड लैंड अंडर मिसलानियस ट्री. इतना लिखोगे तो भी चलेगा. लेकिन इसको क्या किया जाता है, 5 साल तक ऐसे ही रखा जाता है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, अनकल्टिवेटेड लैंड में डाला है. बिकॉज 5 साल तक तो आप इस पर कल्टिवेट नहीं कर सकते. लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. एग्रीकल्चरल ईयर्स का मतलब क्या होता है कि इस पे एग्रीकल्चर होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप उसको 5 साल ऐसे ही रख रहे हो. ये कब होता है पता है स्टूडेंट? जब नेचुरल फर्टिलिटी गेन कर रहे हो. आज हम देखेंगे, आज हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं ताकि फटाफट प्रोडक्शन हो, लैंड की जो सॉइल है वो उसको फर्टिलिटी मिल जाए. हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करते हैं. लेकिन पहले जब है ना, जब इतनी पॉपुलेशन नहीं था, इतना प्रोडक्शन नहीं था, सस्टेन कर पाते थे खुद को, तब मैन्योर यूज किया जाता था. ओरिजिनल और ये मैन्योर जो होता है ना, गोबर बोलते हैं, क्लियर, उसको यूज किया जाता था. तो एक बार अगर आपने, एक दो बार आपने वो लैंड यूज की ना, आपने कुछ क्रॉप ग्रो किए एक्सेट्रा, तो वो क्या किया जाता था, उसको उसको 5 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता था. करेक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन उसको 5 ईयर्स तक ऐसे ही रखा जाता था, बिकॉज उसको वापस अपना फर्टिलिटी रीगेन करना होता था. तो इट टेक्स 5 ईयर्स. क्लियर? सो ये भी किसमें आया स्टूडेंट्स? कल्टिवेट हो सकता है लेकिन हमने इसको अनकल्टिवेटेड रखा है. क्लियर? तो ये क्या आएगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. सो ये थर्ड हमने देखा. अब वो देखते हैं फैलो लैंड. अब फैलो लैंड क्या होता है? करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agricultural year. ये भी क्या है स्टूडेंट्स? ये भी एक एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब इस पे कल्टिवेशन होता है. एग्रीकल्चरल ईयर आया ना, मतलब समझ जाने का स्टूडेंट्स की कल्टिवेशन होता है. क्लियर? लेकिन करंट फैलो मतलब फिलहाल वहां पर एग्रीकल्चरल नहीं हो रहा है. तो करंट की बात करें तो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 year. 1 साल के लिए उसको खाली छोड़ा है, या तो 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए खाली छोड़ा है, लेकिन 1 साल के बाद तो हम उसको कल्टिवेट करेंगे. क्लियर? उसको करंट फैलो बोलते हैं, मतलब करंटली इट इज बैरन, इट इज फैलो. करेक्ट? अब आगे देखते हैं सेकेंड इसका, अदर देन करंट फैलो मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 agricultural years. जैसे कि हमने कल्चरेबल वेस्ट लैंड देखा ना स्टूडेंट, वैसा ही है ये. लेकिन कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वहां पर 5 साल कंपलसरी है अनकल्टिवेटेड लैंड रखना, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 to 5 years है. क्लियर? या तो वो 2 साल के लिए भी अनकल्टिवेटेड हो सकता है, या तो वो 3 के लिए भी हो सकता है, तो 1 के लिए भी हो सकता है. लेकिन कल्चरेबल वेस्ट लैंड देखोगे आप तो वहां पर हो सकते हो कि
5 एग्रीकल्चरल ईयर्स होना ही चाहिए. क्लियर? तो करंट की बात करें तो 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर कल्टीवेट नहीं करना है आपको. एंड अदर देन करंट फैलो मतलब द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टीवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. क्लियर? ये लेस देन 1 है एंड ये 1 to 5 है. अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेट सोन एरिया. नाउ व्हाट इज नेट सोन एरिया? मतलब आपने कितना लैंड कल्टीवेट किया है. नेट का मतलब होता है, बोल सकते हो टोटल एरिया कितना आपने सो किया. सो इसमें ग्रॉस क्रॉप एरिया भी है. मैं आपको पहले ग्रॉस क्रॉप समझा देती हूँ तो आपको ये लाइन समझेगा. ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि आपके पास 10 acres ऑफ लैंड है. क्लियर? एक फार्मर है जिसके पास 10 acres ऑफ लैंड है. अब वो लैंड पे स्टूडेंट्स उसने पहले क्या ग्रो किया? पहले उसने वीट ग्रो किया. क्लियर? सो 6 months में या फिर 6 months में उसका वीट जो है हार्वेस्ट भी हो गया, उसने मार्केट में बेच भी दिया. क्लियर? अब 6 महीना है और 1 साल खत्म होने के लिए, एग्रीकल्चरल ईयर खत्म होने के लिए और 6 महीना है, बराबर. तो 6 महीने में उसने पोटैटो भी ग्रो किया एंड 3 months में उसने पोटैटो सेल भी कर दिया. तो कितना हुआ? 6 plus 3 9. तो और 3 months बचे स्टूडेंट्स, तो उसने ना वीट भी ग्रो किया. तो 3 months में वीट भी हार्वेस्ट हो गया, उसने मार्केट में बेच दिया. तो स्टूडेंट्स एक ही लैंड पे कितनी बार कल्टीवेशन किया उसने? 3 बार. क्लियर? तो ये आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया आया. ग्रॉस क्रॉप जो है आप क्या बोलोगे, कितनी बार आपने कल्टीवेशन किया उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलेंगे. क्लियर? अब नेट सोन एरिया मतलब स्टूडेंट्स मैं क्या गिनूंगी कि आपने 10 acres पे ही ग्रो किया. नेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कितना एरिया आप कल्टीवेट कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, ये इसमें कैलकुलेट नहीं होगा. कितना टोटल एरिया आप कल्टीवेट कर रहे हो ये इसमें होगा, नेट में. क्लियर? सो अगर मैं देखने जाऊँ ग्रॉस क्रॉप एरिया के अकॉर्डिंगली, तो मैंने 3 बार कल्टीवेशन किया. तो 10 hectares ऑफ लैंड मैंने 3 बार कल्टीवेट किया. सो फर्स्ट 10 hectares ऑफ लैंड में मैंने क्या किया? राइस ग्रो किया. सेकेंड में मैंने पोटैटो किया एंड थर्ड 3 महीने बचे थे ईयर के, उसमें मैंने वीट ग्रो किया. तो 10 10 10, तो ऐसे देखने जाए तो मैंने 30 acres ऑफ लैंड ग्रो किया, बराबर. अगर क्रॉस क्रॉप एरिया अगर मैं गिनने जाऊं तो मैंने 3 crops ग्रो किए, तीनों 10 10 hectares पे थे, तो 30 acres हुए, बराबर. लेकिन अगर मैं नेट देखने जाऊं तो मैं से जितनी बार कितने क्रॉप ग्रो किए मैं वो कंसिडर नहीं करूंगी. मैं देखूंगी मेरे पास नेट लैंड कितनी है, मतलब मेरे पास टोटल लैंड कितनी है. तो इट इज ओनली यू कैन से 10 acres. तो मैं यहाँ पर सिर्फ 10 acres बताऊंगी कि मैंने 10 acres लैंड ही सो की है. तो दिस इज माई नेट सोन एरिया एंड 30 acres इज माई ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. क्लियर स्टूडेंट्स? तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने जो आपको बताया उससे इजी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. तो this was all about land utilization. ek bar revise kar lete hain. I know students it is quite difficult, but aap ek do bar isko go through karoge na to obviously ye aapko acche se aa jayega. so start karte hain pehle forest, fir land not available for cultivation, other uncultivated land, fallow land, next zone area. forest mein to kuch nahi hai. land not available for cultivation matlab land hi nahi hai, cultivate nahi kar sakte aap, to ghar pe nahi kar sakte, matlab लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. बैरन लैंड जहां पर खेती हो ही नहीं सकता, तो दैट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड. क्लियर? फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब वहां पर कल्टिवेशन हो सकता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, करेक्ट. तो उसमें पहला क्या आएगा? पास्चर है, फिर ग्रेजिंग लैंड है. क्लियर? फिर लैंड अंडर मिसलैनियस ट्रीज, जो घास हो गया इधर उधर, वहां पर भी नहीं करते आप. फिर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड मतलब ऐसी लैंड जो 5 साल के लिए हम सो नहीं करते थे, बिकॉज हम क्या करते हैं उसकी फर्टिलिटी को टाइम देते हैं, लैंड को टाइम देते हैं कि खुद ही क्या हो, फर्टाइल हो जाए. क्लियर? तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है स्टूडेंट्स? लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years. ये हमेशा 5 साल से ज्यादा है स्टूडेंट्स. क्लियर? एंड अदर देन करंट फैलो 5 साल से कम है, करंट फैलो 1 साल से कम है. मैं इसका एक इमेज आपको बना के ना व्हाट्सएप करूंगी. फैलो लैंड क्या है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं इसमें करंट फैलो आया एंड अदर देन करंट फैलो. करंट मतलब लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or less than 1 year एंड अदर देन करंट में लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 years कभी भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 1 year नहीं हो सकता इसमें, वो करंट आ जाएगा.
नेक्स्ट वन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया जो होता है वो क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. तो हम उसको अलग अलग सब कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 30 एकर्स 10 10 10 तीन क्रॉप्स ग्रो किए. लेकिन नेक्स्ट जोन एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अलग अलग क्रॉप्स के अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगे, टोटल जितना लैंड है वही होगा, दैट इज 10 एकर्स. सो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज क्रॉस क्रॉप एरिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. एक बार रिवाइज करना अच्छे से आप, एंड यू हैव टू राइट लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज इसके पहले वाला स्लाइड एंड द फर्स्ट स्लाइड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये तीनों आप दो दो बार लिखोगे तब जाके आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे. लेट्स एंड हियर. थैंक यू सो मच.